नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे अहम मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। सामान्य तौर पर अगर ये दोनों सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार हो जाए तो मिडिल क्लास फैमिली की बहुत सी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। वहीं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार लगातार बात करती आई है। शिक्षकों की भर्ती और ऑपरेशन कायाकल्प के बाद में कुछ परिवर्तन दिखा भी है, लेकिन आज एक खबर आई जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह दावा किया गया कि प्रदेश का कोई भी प्रसिद्ध विद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर शिक्षक ना ही हो। यानी कि प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में अब सारे विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके बाद में एक लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फरुखाबाद को खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक पत्र लिखा गया जिसमें 19 विद्यालयों में शिक्षक विहीन होने का जिक्र किया गया। अब ऐसे में बहस ये है कि जब 19 विद्यालय एक ही क्षेत्र के हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि प्रदेश के विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी दावा किया गया कि 1,58,000 से अधिक प्रसिद्ध विद्यालयों में 2020 में 13 प्रतिशत स्कूल ऐसे थे जहां पर शिक्षक नहीं थे, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभ्यर्थियों को उन स्कूलों में नियुक्ति दी गई जहां पर शिक्षक नहीं थे। वहीं 22,000 शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों में विभाग ने उन्हें वही नियुक्ति दी जहाँ पर शिक्षक नहीं थे। विभाग का यहाँ तक कहना है कि अब सिर्फ 5% विद्यालय ऐसे बचे हैं जहाँ पर एक ही शिक्षक है। कई मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए। प्रदेश में 1,70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। प्रदेश में जो 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है वो भी शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद, यानी कि शिक्षकों के नए पद का कोई भी सृजन नहीं किया गया है। लेकिन अब इस तरह के जो दावे किया जा रहे हैं उन पर विश्वास कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।